फिल्म 2.0 का सभी को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि फिल्म का टीजर इतना दमदार जो साबित हुआ है। हर कोई अक्षय कुमार को बर्डमैन के अवतार में सिल्वर स्क्रीन पर देखने के लिए बेताब है। शंकर के निर्देशन में बने इस फिल्म को रजनीकांत के फिल्म रोबोट का सीक्वल बताया गया है, क्योंकि 2.0 में रजनीकांत एक बार फिल्म रोबोट के प्रोफेसर वशीकरण का किरदार निभाते नजर आएंगे। लेकिन अब खबरें हैं कि 2.0 में ऐश्वर्या राय बच्चन भी नजर आ सकती हैं। जी हाँ, जहाँ फिल्म में एमी जैक्सन तो है ही, फिर भी कहा जा रहा है कि 2.0 में ऐश्वर्या राय बच्चन भी नजर आएंगी, जिन्होंने रोबोट में डॉक्टर वशीकरण की गर्लफ्रेंड का रोल निभाया था। अब कहा जा रहा है कि 2.0 में ऐश्वर्या राय बच्चन का कैमियो रोल होगा। साथ ही ऐश्वर्या फिल्म में वशीकरण के साथ एक इमोशनल सीक्वेंस के दौरान नजर आ सकती है, क्योंकि मेकर्स चाहते हैं कि ऑडियंसेस 2.0 को रोबोट से कनेक्ट कर पाए। खैर, आपको बता दें कि 2.0 को तकरीबन 1000 करोड़ तक के बजट में बनाया गया है। फिल्म 2.0 29 नवंबर को रिलीज होगी। बॉलीवुड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल। फिल्म 2.0 का सभी को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि फिल्म का टीजर इतना दमदार जो साबित हुआ है। हर कोई अक्षय कुमार को बर्डमैन के अवतार में सिल्वर स्क्रीन पर देखने के लिए बेताब है। शंकर के निर्देशन में बने इस फिल्म को रजनीकांत के फिल्म रोबोट का सीक्वल बताया गया है, क्योंकि 2.0 में रजनीकांत एक बार फिल्म रोबोट के प्रोफेसर वशीकरण का किरदार निभाते नजर आएंगे। लेकिन अब खबरें हैं कि 2.0 में ऐश्वर्या राय बच्चन भी नजर आ सकती हैं। जी हाँ, जहाँ फिल्म में एमी जैक्सन तो है ही, फिर भी कहा जा रहा है कि 2.0 में ऐश्वर्या राय बच्चन भी नजर आएंगी, जिन्होंने रोबोट में डॉक्टर वशीकरण की गर्लफ्रेंड का रोल निभाया था। अब कहा जा रहा है कि 2.0 में ऐश्वर्या राय बच्चन का कैमियो रोल होगा। साथ ही ऐश्वर्या फिल्म में वशीकरण के साथ एक इमोशनल सीक्वेंस के दौरान नजर आ सकती है, क्योंकि मेकर्स चाहते हैं कि ऑडियंसेस 2.0 को रोबोट से कनेक्ट कर पाए। खैर, आपको बता दें कि 2.0 को तकरीबन 1000 करोड़ तक के बजट में बनाया गया है। फिल्म 2.0 29 नवंबर को रिलीज होगी। बॉलीवुड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल।